नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पढ़ाई पर। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज का टॉपिक है पर्यावरण। पर्यावरण की श्रृंखला ही हमारे चैनल पर इसमें चल रही है, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, सागरी खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो इसमें से आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, लोहा। तो इसमें से कौन सा सही होगा आपको गेस करके बताना है। तो इसमें सही होगा आपका आयोडीन। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सदाबहार पेड़ नहीं है? नीम, बबूल, इमली, शहतूत। तो आपका कौन सा होगा इसमें? सैतूत। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, निर्जलीकरण से ग्रस्त बालक के शरीर में किस पदार्थ की कमी हो जाती है? इसमें से आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं, लवण, लवण एवं जल, जल, रक्त। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा गेस कर बताइए आप लोग। तो इसमें आपका सही होगा जल। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला के अनुसार मनुष्य निम्नलिखित में से कौन से वर्ग में आता है? तो इसमें देखो चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, शाकाहारी एवं सर्वाहारी। तो इसमें कौन सा सही होगा आप लोगों को बताना है। तो इसमें आपका सही होगा सर्वाहारी। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, समाज की कौन सी इकाई में रक्त संबंधों का पाया जाना अनिवार्य है? परिवार, समुदाय, गांव, पास पड़ोस। तो आप लोगों को तो ये क्वेश्चन पता ही होगा, आप लोग बताएं। यह है आपका परिवार। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्राकृतिक रूप से ठोस, द्रव एवं गैस अवस्था में पाया जाता है? तो इसमें से आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं, ग्रेनाइट, पारा, वॉक्साइड, जल। आपको गेस करके बताना है। इसमें आपका सही आंसर होगा जल। अब इसमें जल के रूप देख लीजिए, जब वर्ग के रूप में होगा जल तो ठोस होगा, जब जल लिक्विड के रूप में होगा तो उसको द्रव रूप में कहेंगे, और जब जल वाष्प के रूप में होगा तो गैस कहेंगे। तो ये जल की ही तीनों अवस्थाएं होती हैं। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में स्थित चक्र में तीलियों की संख्या होती है 12, 16, 24, 20। तो कितनी होती है आपकी? 24। जो ये तीलियां होती हैं इनको आड़ियां भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार राज्य में गंगा नदी में पाए जाने वाली डॉल्फिन को किस नाम से जाना जाता है? तो इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, सुसु, रोहू, सोन मछलियाँ, कैटफिश। इसमें से कौन सा होगा आपका सही आपको गेस करके बताना है। तो इसमें आपका सही होगा सुसु। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, पौधे में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत होगा? चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके, भोजन, सूर्य का प्रकाश, पौधे का तना, मनुष्य। तो इसमें से क्या होगा आपका? सूर्य का प्रकाश। अब अगला क्वेश्चन देखिए, पत्तियों की चोंच निम्नलिखित में से किस पर आश्रित होती है?
पक्षियों के पंजे पर, भोजन के प्रकार पर, पक्षियों के पैर पर, इनमें से सभी। तो जो पक्षियों की चोंच निम्नलिखित में से किस पर आश्रित होती है? ये भोजन के प्रकार पर आश्रित होती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें। अगर सब्सक्राइब ना किया हो अब तक हमारा चैनल तो सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन देखिए। बिहार राज्य में सबसे लंबा रेल पुल कौन सी नदी पर है? तो इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, गंगा, सोन, फाल्गु, पुनपुन। तो इसमें से कौन सा सही आंसर होगा आपको गैस करके बताना है। ये होगा आपका गंगा नदी। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। मखाना की खेती के लिए देश का अग्रणी राज्य है? चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, केरल। तो कौन सा होगा आपका? बिहार। बिहार का जो दरभंगा जिला है उसमें वो मखाने की खेती के लिए अग्रणी है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक रोगी को लगातार घाव से रक्त बह रहा है, रोगी को कौन से विटामिन की कमी के द्वारा लगातार रक्त बह रहा है? तो इसमें से विटामिन दी गई हैं आपकी, विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन बी। तो आपका सही आंसर होगा विटामिन के। विटामिन के की कमी के कारण शरीर में कोई भी घाव हो जाता है तो वो जल्दी सही नहीं होता। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्लेग नामक रोग कौन से जीव द्वारा फैलाया जाता है? इसमें से आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं, मच्छर, बंदर, सुअर, चूहा। तो इसमें से सही ऑप्शन क्या होगा आपका? चूहा। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन। चिपको आंदोलन की जनक गौरा देवी, चिपको आंदोलन किस गांव में प्रारंभ किया गया? तो इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, रड़ी गांव, मानवता, थिरपाक, हाट गांव। तो इसमें से सही आंसर आपका क्या होगा? रड़ी गांव। ये चमोली जिले के रड़ी गांव है। इसके बाद अगला क्वेश्चन। भूकंप की तरंगों को निरूपित करता है सिस्मोग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, टोमोग्राफी, पॉलीग्राम। तो इसमें से सही आंसर क्या होगा आपका? सिस्मोग्राफ। इसके बाद अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता है? दूध, आम, गाजर, अंडा, मटर, मछली, सोयाबीन, चना, मक्का, सेव, दही, मांस। तो इसमें से कौन सा सही होगा ऑप्शन आपका गेस करके बताइए। इसमें से सही होगा आपका सोयाबीन, चना और मक्का। इसके बाद अगला क्वेश्चन। एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है उसकी सूर्य से दूरी पर, त्रिज्या पर, घनत्व पर, पृष्ठ ताप पर। ये निर्भर करता है पृष्ठ ताप पर। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए आप पूरी श्रृंखला देखें। पृथ्वी का अपमार्जन कौन है? जीवाणु व कवक, पशु, मृदा व जल, पक्षी। इनमें से कौन सही होगा आपका गैस करके बताइए। जीवाणु व कवक, इनको प्रकृति का मैत्र भी कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है?
इसमें से आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उत्तरी भारत, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु। तो इसमें से सही आंसर क्या होगा आपका? उत्तरी भारत। इसके बाद अगला देखिए, निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन सी है? इसमें से 4 ऑप्शन है, चावल, मूंगफली, चना, कपास। तो आप लोग गेस करके बताइए कौन सही है। इसमें से सही होगा आपका चना। इसके बाद अगला क्वेश्चन, बिहार की कौन सी नदी पर बहुउद्देशी परियोजना का निर्माण कार्य किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गंगा, कोसी, फल्गु, पुनपुन। तो इसमें से कौन सी नदी होगी आपकी, गेस करके बताइए। इसमें से आपकी होगी कोसी नदी। अब कोसी नदी को बिहार का सोग भी कहा जाता है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? रेलमार्ग, जलमार्ग, सड़क मार्ग, वायुमार्ग। तो इसमें से आपका सही आंसर क्या होगा, गेस कर बताइए। सही होगा आपका सड़क मार्ग। अभी जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है, इसमें क्या होता है, 4 महानगरों को जोड़ा गया है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसकी कमी से वेरी वेरी रोग होता है? इसमें से आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, विटामिन ए, लौह तत्व, विटामिन बी, आयोडीन। तो इसमें से सही ऑप्शन होगा आपका विटामिन बी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करें और शेयर करें। अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारत में एक सींग वाले गैंडे का मुख्य आश्रय स्थल है? गिर वन, जिम कॉर्बेट पार्क, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क। अब इसमें क्या सही आंसर है आपको बताना है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क। इसके बाद अगला क्वेश्चन, डीडीटी है खरपतवार निवारक, जैव निम्नीकरण प्रदूषक, अजैव निम्नीकरण प्रदूषक, एंटीबायोटिक। तो इसमें से क्या है आपको गैस करके बताना है, ये होगा आपका अजैव निम्नीकरण प्रदूषण। इसका डीडीटी का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। बाढ़ से समोद्भिद पौधे मर जाते हैं क्योंकि पौधे का कोशिका रस पतला हो जाता है, मूल में श्वसन रुक जाता है, पौधे का कोशिका रस सांद्र जाता है, पानी की अधिकता से पोषक तत्व पौधे से बाहर आ जाते हैं। तो इसमें से सही ऑप्शन क्या होगा आपका, सही ऑप्शन होगा आपका मूल में श्वसन रुक जाते हैं। मूल जड़ों को ही कहते हैं। जब बाढ़ आती है तो जड़ों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है, जिससे मूल में श्वसन रुक जाता है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बाघ के लिए, एक सींग वाले गैंडे के लिए, भालू के लिए, हंगुल के लिए। तो ये
किसके लिए प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है आपका एक सींग वाले गैंडे के लिए। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसमें से चार ऑप्शन दिए गए हैं, 22 मार्च, 5 जून, 22 अप्रैल, 15 जून। तो इसमें से सही ऑप्शन क्या होगा आपका? 5 जून। इसके बाद अगला क्वेश्चन, ह्यूमस निर्माण में कौन सहायक है? उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, ये सभी। तो इसमें से गेस कर बताइए, ये सभी। अब ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस सड़े गले पेड़ पौधे जीव जंतु जो मिट्टी में मिल जाते हैं उसी को ह्यूमस कहते हैं। हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।